Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing very well और exam की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी. तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और government job के update को लेके जो कि direct निकल के आ रही है CBDT की तरफ से office superintendent की new vacancy 2024 के regarding. Friends, देखिए ये होता है group B का post जिसके लिए all India की male and female दोनों candidate apply कर सकते हैं. तो अभी इस video में हम लोग इस पोस्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स पे मैं डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम पैटर्न वगैरह देखना तो सारी चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे. और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए. देखिए फ्रेंड्स, सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ये भर्ती निकल के आई है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए. टोटल पोस्ट की बात करें तो 16,000 के अप्रोक्स यानी कि 16,000 के तकरीबन पोस्ट पे आपकी ये भर्ती निकल के आई है. ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आपका भर्ती रहेगा, आयकर विभाग में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें से आपका 70% पोस्ट के लिए होगा, बाकी जो 30% है ना वो थ्रू प्रमोशन कराया जाएगा. अब जैसा कि बता दूं, ये भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इस साल से अभी आने वाला है, ऐसा जारी किया गया कितना इतना सीट वेकेंट है. अदरवाइज पहले क्या होता था ना, जो लोग सीजीएल निकाल कर जाते थे टैक्स असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट से, उन सभी को ही प्रमोट करके ना ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनाया जाता था. बट इस बार से ऐसा नहीं होगा. जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टोटल इसमें से जो 11,183 पोस्ट रहेगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू यानी जो बच्चे परीक्षा देंगे उन सबका चयन होगा, और जो प्रमोशन के थ्रू होगा 4793 यानी 4793 आपका प्रमोशन के जरिए भरा जाएगा सीट, ठीक है. आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे. पोस्ट है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनकम टैक्स आपका डिपार्टमेंट रहेगा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये भर्ती कराई जाएगी. अब बारी आती है कि अब ये भर्ती पहले तो कराई नहीं गई थी, इस साल से न्यू आया है, तो आपका क्या ये कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा. सिंपली देखो, जैसे SSC बाकी एग्जाम कंडक्ट करा रही थी CGL वगैरह का, वैसे ही इसके लिए भी होगा. ये भर्ती ना सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू कराया जाएगा. सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है. अब बात करते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या रहेगी. देखिए, मैक्सिमम एज बताया गया है PDF में कि 30 इयर्स रहेगा, और सिंपली माने कि 18 से 30 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे. अब एज का कट ऑफ डेट क्या रहेगा ये तो जब फॉर्म आउट हो जाएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. आपको पता है कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जो 30 वर्ष है उसमें आपको थोड़ा सा छूट दिया जाता है OBC को 3 इयर्स का, तो उनके लिए 33 इयर्स रहेगा, और SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है तो उनके लिए 18 से 35 वर्ष रहेगा. अब बात करें कि फॉर्म की फी क्या होगी. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि SSC जो है जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज यानी 100 रुपया फॉर्म फी लेता है, और वहीं पर अगर कोई SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है, आपका फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, या फिर किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट, उनसे कोई फी चार्ज नहीं किया जाता है. सो आई होप कि फॉर्म की फी के बारे में आप अच्छे से क्वेरी को समझ गए होंगे. अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, मतलब कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए. देखिए फ्रेंड्स, सिंपली जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब कि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है, डजंट मैटर व्हाट इज योर स्ट्रीम, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. सिलेक्शन की प्रोसेस देखिए बहुत ही सिंपल रहने वाला है, जैसे CGL का प्रोसेस है सेम टू सेम रहेगा. Tier 1 और Tier 2, देखिए यहाँ पर Tier 1 निकालिए, उसके बाद Tier 2 की परीक्षा पास करिए, फिर आपका DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा. तो अभी हम लोग जो एग्जाम्स होंगे उसके पैटर्न को इन डिटेल अच्छे से समझ लेते हैं. देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका Tier 1 का एग्जाम पैटर्न, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के लिए. देखिए, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलेंगे, और टाइम रहता है 1 आवर यानी 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा. यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/2 का, सो बी अवेयर 0.50 मार्क्स आपके डिडक्ट करे जाएंगे फॉर योर रॉन्ग आंसर. सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए, रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स हो जाएंगे. जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि GK GS करेंट अफेयर्स, साइंस, कंप्यूटर सबको कंबाइन करके ना 25 यानी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए.
मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, लास्टली इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 25 यानी 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है तो आपका क्या होता है, एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहता है, तो आपको सिटी चूज़ करने का मौका मिलता है, तो जो नियर बाय 3 सिटी चूज़ करेंगे वहीं पर एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। सो जब आप टीयर 1 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे तब बुलाया जाएगा टीयर 2 के एग्ज़ाम के लिए। तो टीयर 2 देखिए यहाँ पर 2 घंटे और 15 मिनट का होता है, 3 सेशंस में डिवाइड होते हैं। सेशन 1 एक घंटे का होता है जिसमें मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 प्रश्न आपका मैथ से और 30 रीजनिंग से रहेगा, टोटल 60 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलते हैं, तो 180 मार्क्स का आपका सेशन 1 है। सेशन 2 आपका एक घंटे का ये भी होता है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मतलब इंग्लिश और जीके से पूछा जाता है, तो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, तो 210 यानी 210 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा सेशन 2 का रहेगा। थर्ड सेशन रहेगा आपका 15 मिनट का, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स। सो ओवरऑल आप यहाँ पर मार्क्स देख लीजिए और ये आपका 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। तो ये आपका टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न है, ये आपका रहेगा क्या मेरिट डिसाइड करेगा, जब आपका सिलेक्शन होगा फिर आप क्या होंगे वहाँ पे जाके ज्वाइन करेंगे, तो एज अ ऑफिस सुपरिटेंडेंट मतलब ग्रुप बी की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर सर्व करने का मौका मिलेगा। सर्विस के ड्यूरेशन में सैलरी क्या मिलती है, आप ग्रुप बी की पोस्ट है तो लेवल 6 का सैलरी मिलता है। तो नोटिफिकेशन में बताया गया कि 35,400 से लेके 112,400 तक आपको सैलरी दिया जाएगा, बट फ्रेंड्स इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी शुरुआत में ही आपका 65,000 से 70,000 के बीच में रहेगा, बढ़ते बढ़ते सैलरी 1,90,000 तक होगा। सो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। और अब बात करेंगे कि इसका अप्लाई डेट क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स अभी इसका जो वेकेंट सीट है बाकी की डिटेल्स जारी की गई है, अप्लाई का डेट अभी रिलीज नहीं किया गया, उम्मीद ये रखेंगे कि नवंबर से दिसंबर तक इसका फुल्ली सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका फॉर्म ऑनलाइन होने लगेगा। और मेरा ये चीज़ पहले बताने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अभी से आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए, ताकि जब ये फॉर्म आए और लगे हाँ तो एग्ज़ाम हो तो आप वहाँ पर फेल ना हो जाए, अच्छा अटेम्प्ट करके आए, अपना एक सीट अचीव कर ले। सो आई होप कि पोस्ट की सारी डिटेल आपको मिल गई होगी। अभी भी कुछ डाउट्स एंड कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर लेना, अदरवाइज इस वीडियो अच्छी लगी हो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और हाँ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।